संयुक्त किसान मोर्चा के कॉल पर भारत बंद को कामयाब करने के लिए टोल प्लाजा पर बैठे आंदोलनकारियों ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। हिसार के लांधड़ी टोल प्लाजा से ज्यादा जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार। संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पर 6 फरवरी को होने वाले भारत बंद को कामयाब करने को लेकर हरियाणा के टोल प्लाजा पर बैठे आंदोलनकारियों ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अलग अलग टोल प्लाजा पर रणनीति वहां पर तैयार की गई है, किस तरीके से आसपास के इलाकों को वो सड़कों को अपने कब्जे में लेने का काम करेंगे और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स रहेंगे जहां पर आंदोलनकारी अपना डेरा डाल लेंगे, जिससे भारत बंद को पूरी तरह कामयाब किया जा सके। हम इस वक्त मौजूद है हिसार के लांधड़ी टोल प्लाजा पर और आंदोलनकारियों ने एक रणनीति यहाँ पर तैयार की है। एक मीटिंग कर फैसला लिया गया है कि कौन कौन से बिंदुओं को वो अपने कब्जे में लेने का काम करेंगे। मुझे ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे जगह चिन्हित की गई है जहां से आप इस भारत बंद को कामयाब करने की कोशिश करेंगे? एक तो अपना नांदड़ी टोल प्लाजा है, इसको पूर्ण रूप से ब्लॉक करेंगे। उसके बाद में एक आदमपुर है जो राज्य मार्ग है और राजस्थान को जाता है, और एक बालक चौपटा, तीन जगह बंद करेंगे। इसके अलावा भी क्या ग्रामीण अपने स्तर पर जो सड़कें हैं उन्हें अपने कब्जे में लेने का काम करेंगे, या सिर्फ इन्हीं तीन बिंदुओं पर जो हाईवे जाम है या सड़कें जाम है वो रखे जाएंगे? ज्यादातर जनता तो यहीं इकट्ठा होगी। और रही बात सड़कों की, अगर उनको ये दिखाई देगा कि कोई रोड चालू है तो आज गांव के हर नागरिक में ये जोश है कि वो इनको पूर्ण रूप से बंद करे। 12 सीधी, क्या ये मान लिया जाए कि सिर्फ तीन बिंदुओं पर ही जो हाईवे हैं वो जाम रहेंगे, जो सड़कें हैं वो जाम रहेगी, या ग्रामीण अपने स्तर पर भी ये जो सड़कें हैं वो बंद कर देंगे? नहीं, सड़कें अपनी मर्जी है, किसानों को यदि दूसरी जगह से जो लिंक रोड है वो बंद करना चाहे बंद कर सकते हैं, लेकिन हमने मैंने तीन जो मेन पॉइंट बनाए हैं जी, आदमपुर और बालक चौपटा और ये लांधड़ी टोल प्लाजा पर, हमारी मेन बिंदु ये तीन रहेंगे जी। पूरी रणनीति तैयार कर ली, तीन घंटों में 12 से 3 बजे तक पूरी तरह बंद इसे रखेंगे, और क्या कोई गाड़ियां ऐसी हैं जिन्हें निकलने देंगे? बिल्कुल, 3 घंटे में 12 से 3 रखेंगे। एक तो एम्बुलेंस और एक वो शादी या दूल्हा वगैरह जो शादी वाली जो गाड़ियां आएंगी, या कुछ ज्यादा और जरूरी होगा तो उसको हम जाने देंगे, निकालेंगे। ताऊ, सड़कों को बंद करने से बात बन जाएगी क्या? नहीं बड़े, दिल्ली जाए बैठेंगे, इतना बात नहीं बड़े, नहीं इतना उड़ जाए बैठे दिल्ली, इतना एड एड है आगे दिल्ली मारा दोंगड़ा दिल्ली का भी, और 12-3 संपूर्ण बंद रहेगा भारत। कंटीली तारे वहां पर खड़ी कर दिए, नुकीली कीले वहां पर लगा दिए, वो तो काइट दीम थी ईब तो पहले डिड देना, कोड़े कोड़े सा पाकिस्तान आवदा, ये तो हमारे देश के है, ये पाकिस्तान तो नहीं है। हाँ, तो शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार ने, अब ये कील क्यों गाइड आपके लिए। हरियाणा में आंदोलन अब कहाँ तक पहुँच चुका है और कब तक लगता है की बात बन जाएगी? देखो भी कब लग बात कर रही, चरम सीमा चल रहा है, और देखो भी युकत सीमाना देवता। यहाँ से कितनी बड़ी तादाद में आंदोलनकारी रोज दिल्ली जा रहे हैं, और यहाँ पर हर रोज कितने लोग पहुँचते हैं? हर रोज सैकड़ों ट्रालियां जावे है, और आड़े भी आवे है सैकड़ों ट्रालियां, बहुत लंबा चलने वाला है ये। सड़क जाम करेंगे? सड़क जाम करेंगे जी, पक्की। हाँ, पूरी तैयारी, नहीं हटेंगे जी। हाँ, पूरी तैयारी है। आंदोलनकारी दो टू की बात कर रहे हैं कि तीन बड़े जो पॉइंट्स हैं उनकी तरफ से तय कर लिए गए हैं जहां आंदोलनकारी अपना डेरा डालने का काम करेंगे। उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ग्रामीणों को ये लगता है कि किसी लिंक रोड का इस्तेमाल कर ट्रैफिक का मूवमेंट लगातार जारी है तो उसे भी आंदोलनकारी अपने कब्जे में ले सकते हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।